हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। फ्रेंड्स, यदि आप एक्सेल में स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट का वीडियो यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत ही आसानी तरीके से अपने स्टूडेंटों का फीस का डिटेल स्टोर कर सकते हैं। यह सीट फ्रेंड्स काफी आसान तरीके से समझाया गया है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यहाँ से ओपन करते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे माइक्रोसॉफ्ट 2007 2007 में भी आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए यहाँ पर हम यहाँ से डेटा टाइप कर लेते हैं। पहला जो रो है इसको छोड़ देते हैं, इस पर हेडिंग बनाएंगे अपना जो भी स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट लिखने के लिए। तो यहाँ पर यहाँ से डेटा हम टाइप करते हैं। तो सबसे पहले टाइप करते हैं रोल नंबर, नेम। अब इस तरह से कभी हो जाए, आगे चला जाए सेल से, तो आप यहाँ पर कर्सर को रखिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से जो सी और डी जैसे दो कॉलम के बीच में जो लाइन है इसके ऊपर रखिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा तो देखिए आप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा कि कितना बड़ा नाम है। तो यहाँ से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको टाइप कर लेते हैं बाकी डिटेल, कोर्स एडमिशन डेट। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमें मंथ पूरा लिखना है, जनवरी फरवरी, तो हम सिर्फ जनवरी टाइप करेंगे, बाकी कॉपी कर देंगे। हो गया। अब बाहर क्लिक करके देखिए इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कॉर्नर पर क्लिक करके ऐसे खींच दीजिए जब ब्लैक पॉइंट बनेगा। तो देखिए दिसंबर तक जहाँ तक आप रखना चाहते हैं। देखिए आपका कोई कोर्स सेंटर का या कोचिंग क्लास का 18 महीने का है, 2 साल का है या 12 महीने का है, तो आप इसके हिसाब से आगे भी ड्रा कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ दिसंबर तक कॉपी कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पर किसी एक जगह पर डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक सारे एडजस्ट हो जाएंगे इस तरह। तो जनवरी फरवरी हमने यहाँ से लिख लिया। अब इस साइड में लिख लेते हैं टोटल रिसीव्ड फीस, टोटल रिसीव्ड, और थोड़ा सा एरो इधर कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं टोटल फीस और इसके बगल में लिखते हैं बैलेंस। तो इस तरह से हमने डेटा को टाइप कर लिया। अब नीचे हम रोल नंबर, आप 1 2 3 जो भी देना है आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको रोल नंबर 1 2 ही देना होगा, क्योंकि फार्मूला इस तरह से कोड किया गया, इस तरह से लगाया गया है कि 1 2 में ही फार्मूले काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा रोल नंबर 1 2 के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डेटा हम टाइप कर लेते हैं फटाफट, नाम लिखते हैं। यदि फ्रेंड्स एडमिशन आज का है तो आप यहाँ पर आज का डेट लाने के लिए आप कंट्रोल इसे यूज कर सकते हैं, तो आज का टुडे का डेट आ जाएगा। तो आप देख लीजिए आपको डेट किस तरह से रखना है, नॉर्मली आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद में हम यहाँ से रिसीविंग फीस कर देते हैं, जैसे कि दिसंबर को 500 फीस आया है तो हमने यहाँ पर रिसीविंग डाल दी है। एक हम डाल लेते हैं रिसीविंग, बाकी में नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे। अब 500 रुपये के हिसाब से 12 महीने का यहाँ पर टोटल फीस बनता है 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये हम टाइप कर लिए। अब क्या करते हैं कि इससे सभी को बॉर्डर दे देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे पेज को, और इस तरह से सिलेक्ट करके सभी को ऑल बॉर्डर कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप डेस्कटॉप मोड पे इस वीडियो को देख रहे हैं फुल स्क्रीन करके, तो आपको क्लियरली पूरा साफ साफ दिखाई देगा। यदि आप मोबाइल में देखेंगे तो काफ़ी छोटा छोटा दिखाई देगा। तो इस तरह से तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से डिस्प्ले को। इसे हमें पूरा सीट को ऑटोमेटिक भी करना है, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो अब इसे हम यहाँ से जूम कर लेते हैं और फार्मूला लगाते हैं यहाँ से टोटल करने का। तो टोटल रिसीव करने के लिए हमें यहाँ से लगाते हैं बराबर सम ब्रैकेट, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो 500 रुपये टोटल रिसीव में आ गया टोटल फीस। अब बैलेंस, तो बैलेंस के लिए क्या क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर का फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल फीस माइनस का साइन और यहाँ से रिसीव फीस और एंटर। तो देखिए 5,500 रुपये बैलेंस रह गया। अब इसी तरह से फ्रेंड्स मैं 4 5 लोगों का और डिटेल यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। और डेटा फिल करने के बाद फ्रेंड्स हम इसके फार्मूले को कॉपी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉपी कर देना है और इससे ऑटोमेटिक स्लिप भी जनरेट करना है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर अलग से सीट एक तैयार करेंगे, उस पर पूरा वाचर बनाएंगे और यहाँ से इस तरह से कर, ठीक है। अब देखते हैं सीट कितना साइज में बना है। तो अब इतना सभी सेल को यहाँ से सेलेक्ट करके मर्ज, और इसमें हमें जो भी टाइटल टाइप करना है स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट, तो इसे टाइप कर लेते हैं और इसे क्लिक करके फिर से और साइज इसे बड़ा देना, बड़ा दे दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक करें इटैलिक कर दीजिए, कलर आपको चेंज करना था कलर चेंज कर लीजिए, आपको अच्छा लगे, लेकिन हम इसे ब्लैक ही रहने देते हैं। और इसे भी आउट बॉर्डर दे देते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स से नॉर्मल डिटेल है, ये पूरा का पूरा यहाँ से मंथ है और इस साइड का टोटल डिटेल है। तो फ्रेंड इस तरह से आप जैसे कि चंदन कुमार, फादर नेम राजकुमार,
कोर्स अकाउंट एडमिशन डेट इतना, लेकिन आप यहाँ से जनवरी में कितना फीस रिसीव हुआ, फरवरी में कितना, मार्च अप्रैल, इस तरह से आप डिटेल टाइप कर सकते हैं। आपको टोटल पता लग जाएगा कि इस स्टूडेंट ने कौन कौन से महीने में कितना फीस दिया है, और इस साइट से आप पूरा स्टूडेंट को लिस्ट बना सकते हैं सीरियल नंबर के वजह से कि उसका कोर्स क्या है, उसका फीस क्या है, सारा कुछ है। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स एक सिंपल सा शीट बना लिया जिसपे हम एक स्टूडेंट का अलग डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन से महीने फीस दिया, कौन से महीने में नहीं दिया। लेकिन एक यहाँ पर एक और सवाल है कि यदि किसी स्टूडेंट का स्लिप देना हो एक महीने का, जैसे इस मंथ हमने फीस रिसीव किया और उसी महीने का स्लिप ऑटोमेटिक जनरेट करके देना हो, तो किस तरह से जनरेट करें होगा या फिर किस तरह से उसका शीट डिजाइन करना है, तो चलिए आपको बताता हूँ। तो चलते हैं सेकेंड शीट पर। तो यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा, व्यू पर जाकर और पेज लेआउट कर लीजिए, पेज लेआउट, और फिर से देखिए यहाँ पर पेज लेआउट मिलेगा, पेज लेआउट पर जाकर और मार्जिन को आप कम से कम 1 इंच कर लीजिए या फिर 0.75 कर लीजिए, कम से कम मार्जिन कर लीजिए या फिर सबसे नीचे कर लीजिए, तो मार्जिन सेट हो जाएगा, जो साइड का जो रूलर होता है वो सेट हो गया ऑटोमेटिक। अब हमें एक जिस तरह से हम हेडिंग बाद में लिखेंगे, क्योंकि नीचे सीट पूरा डिजाइन करने के बाद लिखेंगे हेडिंग, तो टाइटल बनाएंगे यहाँ से। तो पहला रो को छोड़ देते हैं, सेकेंड रो पर डेटा को टाइप करते हैं। वाउचर में जो जो डिटेल आप देना चाहते हैं आप उसे टाइप कर लीजिए। तो हम यहाँ से रोल नंबर टाइप कर लिए, रोल नंबर या फिर रहने देते हैं, ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, रोल नंबर हम टाइप कर लिए। रोल नंबर टाइप करने के बाद में यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं मंथ, मंथ, फिर एक कॉलम छोड़ देते हैं मंथ के रिजल्ट के लिए, और यहाँ पर लिखते हैं कोर्स, ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसे थोड़ा थोड़ा सा साइज को बड़ा कर देते हैं और इसे सेलेक्ट करके होम और ऑल बॉर्डर, इसके नीचे फ्रेंड्स टाइप करते हैं नेम, स्टूडेंट नेम जो भी है, और सीधे यहाँ पर टाइप करते हैं फादर नेम, फादर नेम, और इसके नीचे फीस रिसीव्ड डेट टाइप करते हैं। यहाँ से जूम कर लेते हैं सीट को, फीस रिसीव डेट और फादर नेम, इसके नीचे रिसीव फीस करते हैं बैलेंस, और इस जगह पे अमाउंट इन वर्ड। अब इन सभी को एडजस्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि नेम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फीस, तो यहाँ से इसको यहाँ से मर्ज कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, और इसे भी दो कॉलम को मर्ज कर देते हैं और साइड में कर देते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको लगता है बॉर्डर देने के लिए आप जगह पर बॉर्डर दे दीजिए, तो हम भी यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं। तो फ्रेंड देखिए बीच बीच में आपको सेल का जो ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, तो इसे आप यहाँ से सेलेक्ट करके वाइट कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं होगा और रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा देखने में बस देखने का फ़र्क है। तो इसे सिलेक्ट करके, इसे सिलेक्ट करके यहाँ से वाइट ग्राफ कर दीजिए, इसे भी सिलेक्ट करके यहाँ से वाइट फिल कर देते हैं और ऊपर सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा को मर्ज कर देते हैं, और यहाँ पर जो भी आपको हेडिंग टाइप करना हो, जैसे कि मैं सेंटर नाम लिख देता हूँ सी टैक कंप्यूटर एजुकेशन, और इसे सिलेक्ट करके यहाँ से हैवी कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना आप कर सकते हैं, कर्सिव राइटिंग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसे आउट बॉर्डर दे देते हैं। तो फ्रेंड्स जिससे जैसे हम यहाँ पर रोल नंबर को टाइप करें और मंथ को सेलेक्ट करें, तो उसके हिसाब से यहाँ पर फीस शो हो जाए। तो चलिए पूरा सीट को डिजाइन करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें बनाना है, या यहाँ पर हम एक सिग्नेचर भी टाइप कर देते हैं और इस तरह सेलेक्ट करके आउट बॉर्डर दे देते हैं, हैवी थोड़ा दे देते हैं, और इसे पूरा सेलेक्ट करके इसमें कलर वाइट फिल कर देते हैं। अब इसमें हमें फ्रेंड्स ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो आपको डाटा वाले यहाँ डाटा पर जाकर और आपको सेलेक्ट करना होगा फर्स्ट सीट को, लेकिन 2007 वर्जन में, एक्सेल के 2007 वर्जन में ऐसा होता है कि जो सीट सेकेंड सीट सेलेक्ट ही नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो चलते हैं सीट वन पे और इस तरह से सेलेक्ट करते हैं हमें रोल नंबर को, जितना भी रोल नंबर आप रहे सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन हमारे पास 5 है इसलिए हम 5 सेलेक्ट कर रहे हैं, आप ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए 5 हम कर लिए। इसके बाद में जाना है फार्मूला पे, फार्मूला पे जाकर यहाँ पर जाना है और डिफाइन नेम, और यहाँ पर रोल नंबर आप कोई भी नाम रख सकते हैं पहचान के लिए, तो मैं यहाँ पर रोल रख कर ओके कर देता हूँ। और एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है यहाँ पर मंथ के लिए, तो आप मंथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक करना चाहते हैं कि यह महीना जैसे जनवरी का है तो आप ऑटोमेटिक जनवरी इसमें फिल रहे, तो वो भी हो जाता है, लेकिन वो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम चलते हैं सीट वन पे और जितना भी ये मंथ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इसे सेलेक्ट कर लिए, फार्मूला डिफाइन नेम, नेम, और यहाँ पर मंथ कर लेते हैं, मंथ,
और ओके ये नाम याद रखिएगा, स्पेलिंग गलत ना हो ध्यान रखिएगा। तो हमने दो ड्रॉप डाउन लिस्ट का कमांड बना लिया, एक जनवरी फरवरी का मंथ का और एक रोल नंबर का। अब चलते हैं सेकेंड सीट पर, यहाँ पर क्लिक करते हैं, डाटा पे जाते हैं, डाटा वैलिडेशन और एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट और यहाँ पर इक्वल बराबर रोल, क्योंकि हमने वहाँ पर रोल लिखा था रोल। ओके तो देखिए यहाँ पर रोल नंबर का ड्रॉपडाउन लिस्ट बन गया। मंथ इसी तरह से डाटा वैलिडेशन और यहाँ से लिस्ट बराबर मंथ TH। ओके तो देखिए मंथ भी ड्रॉपडाउन लिस्ट में बन गया। अब हम यहाँ पर रोल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, दो रोल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स दो रोल नंबर पे नाम किस स्टूडेंट का है, ऑटोमेटिक कोर्स क्या है, ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं वी लुकअप। वी लुकअप लगाना आप शायद जानते होंगे, एच लुकअप लगाना भी शायद आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो ध्यान से देखिए सीख जाइएगा। लेकिन इसमें एच लुकअप जो लगाया गया है एक एडवांस तरीके से लगाया गया है, जिसे आप देखकर भी आप कहिएगा वाओ क्या फार्मूला यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हम वी लुकअप से इस कोर्स को लाएंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं बराबर वी एल डब्लो के यू पी वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग आ जाए यहाँ पर कोर्स, तो यहाँ पर रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं कॉमा। अब आप 2007 वर्जन भी यूज़ कीजिएगा तो सेकंड सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर लिए और जितना भी डिटेल है इस तरह से पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिए, जितना भी सिलेक्ट करना चाहते हैं हम सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पूरा सिलेक्ट कर लिए और कॉमा। अब कोर्स कितने नंबर कॉलम पे है, जैसे हमने यहाँ से सिलेक्ट किया तो कॉलम नंबर यहाँ से ही गिनेंगे, यदि अब इस जगह से हम सिलेक्ट करते तो कॉलम नंबर हम इस जगह से गिनते। तो जो कोर्स है 1, 2, 3, 4 नंबर कॉलम पे है, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ देखिए शो कर रहा है ना, तो 1, 2, 3, 4 नंबर पे कोर्स है। तो हम यहाँ पर 4 टाइप करेंगे कॉमा, ट्रू मैच के लिए यहाँ से 0 और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पर बेसिक आ गया, दो रोल नंबर का बेसिक, देखिए रोल नंबर 2 बेसिक बिल्कुल सही है। अब सेकेंड सीट पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सीट में जितना भी वी लुकअप का फार्मूला आप यूज कीजिएगा उसमें सिर्फ फर्क होगा तो कॉलम इंडेक्स नंबर का फर्क होगा और कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं इस फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C, क्योंकि बार बार सेलेक्ट करने पड़ेगा। और देखते हैं हमें नेम के लिए वी लुकअप का फार्मूला लगाना है, तो नेम कितने नंबर पर है कॉलम, तो 1, 2 नंबर पर है। तो सीधे हम यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+V करते हैं पेस्ट, तो देखिए बेसिक आ गया क्योंकि 4 नंबर यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करके 4 को जगह पे 2 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो देखिए नाम आ गया। और इसी तरह से यहाँ भी उसी को पेस्ट करते हैं और फादर नेम तो 3 नंबर पे है, 3 करके एंटर, देख भी लेते हैं कि सही है 3 नंबर, ठीक है 1, 2, 3 शर्मा सही आ गया। अब रिसीव फीस, रिसीव फीस के लिए हमें फ्रेंड्स एच लुकअप का फार्मूला लगाना होगा, तो इसे हम बाद में लगाते हैं। बैलेंस इसी को वी लुकअप का फार्मूला Ctrl+V कर देते हैं और देखते हैं कि बैलेंस कितने नंबर पे है। तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और 1, 2, 3, 4, 20 कॉलम इंडेक्स नंबर 20 है, कॉलम नंबर 20 है। तो हम यहाँ से इस पे 20 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, एंटर कर देते, देखिए 5500 बैलेंस, यहाँ से इसे एडजस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेम आ गया, फादर नेम आ गया, कोर्स आ गया वी लुकअप के फार्मूले से, वी लुकअप के फार्मूले से यहाँ पर बैलेंस भी आ गया। अब फीस रिसीव डेट, तो इसके लिए हम 2-day का फार्मूला लगा देते हैं, तो बराबर TODAY ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंटर। तो देखिए आज का डेट इसमें इंसर्ट हो गया क्योंकि फीस आज ही रिसीव किया है, आज ही हम स्लिप बना रहे हैं तो आज का डेट हो गया। लेकिन यदि आपको लिखना हो जैसे कि वर्ड में लिखना हो तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, कस्टम इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और जितना भी है आप इधर से एच एच काट लीजिए और मंथ के लिए पहले DD कीजिए, डे में रखना है तो पहले DD कर दीजिए और मंथ करना है तो MMM कर दीजिए और YY लास्ट में, और यहाँ से मंथ को 4 बार कर दीजिए,
ठीक है, 2 जनवरी 2020 4 बजे से, कि देखिए यहाँ पर जनवरी आ गया, ओके करेंगे तो यहाँ पर जनवरी लिखा रहा है। ओके तो फ्रेंड्स अभी इसमें सिर्फ दो चीज़ रह गया, एक जैसे हम यहाँ पर रोल नंबर और मंथ जैसे जनवरी या फरवरी जो भी हम सिलेक्ट करें तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक रिसीव फीस आ जाए, और साथ में ये जो अमाउंट है रिसीव अमाउंट वर्ड में आ जाए यहाँ पर। तो चलिए फार्मूले को लगाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एच लुकअप का फार्मूला कुछ अलग तरीके से लगाया गया है। तो इससे हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया, फार्मूला बार में जाते हैं, बराबर एच एल डब्लो के यू पी लुकअप ब्रैकेट। तो हम सोर्स को ये मंथ रखेंगे, मंथ के हिसाब से फीस रिसीविंग आए तो हम यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, कॉमा। अब हम फ्रेंड्स फर्स्ट शीट पे चलते हैं और जितना भी डिटेल है आपका, जैसे कि ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेरा दिसंबर तक इतना ही है तो मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दिसंबर आप पहले से भी एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर सकते हैं, बाद में डेटा टाइप कीजिएगा तो ऑटोमेटिकन में आ जाएगा। तो इसे हम मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद में टेबल एरे, तो हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा करते हैं। और एच लुकअप में क्या होता है कि हॉरिजेंटल लुकअप होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर फाइंड करता है। अब कह रहा है रो इंडेक्स नंबर, कि आप रो कितने नंबर डालना चाहते हैं, 1 2 3 4। तो हमने सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक किया है, सिर्फ मंथ सेलेक्ट किया है, तो रो इंडेक्स नंबर जनवरी 1 होगा और 2 जो होगा 500 होगा। तो मैं यहाँ पर टाइप नहीं करूँगा, सीधे मैं सेकेंड सीट पर चला जाता हूँ और इस रोल नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यह चीज़ आपको पहले किसी वीडियो में देखने को नहीं मिला होगा, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से कॉमा करता हूँ और 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल आपको गलत आ सकता है, क्योंकि एक जो रोल नंबर होगा इसके अनुसार एच लुकअप का जो लुकअप वैल्यू होगा वह है पहला रो को सेलेक्ट करेगा। तो हमें इस फार्मूला का यूज करने के लिए और सीट को सही से काम कराने के लिए हमें रोल नंबर यहाँ से 2 से स्टार्ट करना होगा। आप इतना थोड़ा सा कर लीजिएगा, यहाँ से 2 से स्टार्ट कीजिएगा, एक आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, देखिए यहाँ से 2 से। अब हम चलते हैं, चेक करते हैं कि क्या सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 रोल नंबर पर चंदन कुमार जनवरी में 500 रुपये, क्या सही शो कर रहा है। तो हम यहाँ से रोल नंबर 2 सेलेक्ट करते हैं, देखिए एक हट ही गया, 2 सेलेक्ट कर लिए। मंथ मई में 0 रुपये फीस आया है, लेकिन जनवरी में हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो देखिए 500 रुपये आ गया। कोर्स अकाउंट राजकुमार, चंदन कुमार नाम, रिसीविंग डेट, बैलेंस इतना। अब यही हम 3 नंबर सेलेक्ट करते हैं, तो जनवरी में तो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन फरवरी में चेक कर लेते हैं तो 500 रुपये आया है। यहाँ भी फरवरी में टाइप किया गया डिटेल, देखिए 3 रोल नंबर का, जनवरी में कोई डिटेल नहीं है। यदि हम यहाँ पर 100 रुपये कर देते हैं जनवरी में फीस आया है, तो फिर हम चलते हैं देखते हैं कि जनवरी में फीस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलते हैं जनवरी में 100 रुपये और फरवरी में 500 रुपये, रोल नंबर 3 का। यदि 4 करते हैं तो 4 के हिसाब से सारा डिटेल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मार्च देखते हैं करके, तो मार्च में 400 रुपये आया है। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक फीस का जो स्लिप है वो जनरेट कर सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन हाँ, सिर्फ ध्यान इतना दीजिएगा कि आपका रोल नंबर 2 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 को ब्लैंक कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। लेकिन चलिए थोड़ा सा और आपको इसमें बताता हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और यहाँ भी डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर NA आ रहा है जो अच्छा नहीं लगता, क्या करें इसके लिए। NA आ रहा है, अच्छा नहीं लगता ना, NA नॉट अवेलेबल लिख किया जाता है। तो इसके लिए हमें इफ एरर का फार्मूला लगाना होगा वी लुकअप के आगे। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं बराबर के बाद, इफ ERROR इफ एरर ब्रैकेट और लास्ट में आते हैं कॉमा, डबल ओपन कॉमा स्टार्ट एंड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, बीच में ब्लैंक करना है एंटर। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक हो गया। इसी तरह से यहाँ से इफ ERROR इफ एरर ब्रैकेट लास्ट में सेलेक्ट कर लीजिए और कॉमा, डबल ओपन कॉमा स्टार्ट ब्लैंक कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस तरह से हम तीनों में लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने सब पे इफ एरर का फॉर्मूला लगा लिया। अब यहाँ से हम रोल नंबर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और एक मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ 0 आ रहा है कुछ नहीं, तो जैसे ही जनवरी सेलेक्ट करेंगे 500 रुपये आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जो
₹500 है ये वर्ड में यहाँ पर लिखा जाए, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा कोडिंग है आपको, लेकिन कॉपी पेस्ट करना होगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, आप उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से अपने कीवर्ड से Alt F11 को प्रेस कीजिए। जैसे प्रेस कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इंसर्ट पे जाइए, मॉड्यूल, और कुछ कोड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कोड यहाँ पर है, इसे हम कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, और विजुअल बेसिक पे ओपन कर लेते हैं। इस मॉड्यूल पे जाकर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में इसे फाइल पे जाते हैं और सेव बुक वन पे सेव कर देते हैं। और इसे अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सेव कीजिएगा इस डॉक्यूमेंट को, जैसे डेस्कटॉप पे मैं इस डॉक्यूमेंट को 77 के नाम से सेव कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे एक्सेल वर्कबुक में मत सेव कीजिएगा, नहीं तो ये जो वर्ड वाला जो कोडिंग है विजुअल बेसिक है काम नहीं करने वाला। तो आप कीजिएगा यहाँ पर एक्सेल अनेबल, एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, इस पर सेलेक्ट करके सेव, ठीक है, और इसे क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सेल हमारा ओपन है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ फार्मूला पर जाते हैं और बराबर SP, देखिए SPL नंबर आ गया। ये नंबर तभी आएगा जब आप विजुअल बेसिक में मॉड्यूल में जाकर आप जो कॉपी पेस्ट किए थे कमांड को उसको पेस्ट कीजिएगा, उसको टाइप कीजिएगा तभी। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ब्रैकेट के बाद, देखिए ब्रैकेट लगा, इसके बाद में हम सेलेक्ट करते हैं जिसे हमें नंबर में वर्ड में चेंज करना है। तो इसे सेलेक्ट कर लिए, अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए ₹500 ओनली लिख कर आ गया। तो फ्रेंड्स अब हमें इसे कुछ और भी करना है, काफ़ी चीज़ बताता हूँ। तो देखिए चलिए पेज लेआउट पर चलते हैं और इसे सेलेक्ट कर लीजिए पूरा। सेलेक्ट करने के बाद में प्रिंट एरिया पर, सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिए, तो यह एरिया प्रिंट के लिए सेट हो जाएगा। अब कंट्रोल प्लस पी कीजिए, तो देखिए यह प्रीव्यू है आपके सामने, जो आपका वाउचर या फिर आप स्लिप कर लीजिए प्रिंट हो जाएगा। अब इसको स्कैप कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, देखिए कैंसिल। अब फाइल पे चल के पूरा डॉक्यूमेंट को सेव एज माइक्रो अनेबल वर्कबुक में ही डॉक्यूमेंट को सेव कीजिएगा। यदि आप नॉर्मल में सेव कर दिए तो यह फार्मूला काम नहीं करेगा स्पेल नंबर का, बाकी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो हमें कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।